हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राममोहन लोहिया विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी के लिए नोटिस आई है। मैं इसके पूरे अपडेट्स आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट करने जा रही हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी को पता है मैं हर दिन आप सभी को नोटिस के माध्यम से अपडेट करती हूँ। जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट्स आते हैं आप सभी के लिए, चाहे वो अपडेट्स आप लोगों के परीक्षाओं के संबंध में और रिजल्ट के संबंध में हो या किसी अन्य अपडेट्स को लेकर के विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिस आती है, वो सारी जानकारी मैं आप सभी को अपडेट करती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए विश्वविद्यालय की तरफ से पिछले दो दिनों से है जो कि कोई भी अपडेट्स नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर विश्वविद्यालय की तरफ से है जो कि आज अपडेट्स आई। मैं आप सभी को यहाँ पर पूरी अपडेट्स करने जा रही हूँ। अपडेट्स आने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लेसमेंट वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि सभी अपडेट्स आप सभी को प्राप्त हो सके, सभी जानकारियां आप सभी को मिल सके। और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोग वीडियो को पहले से देख रहे हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी फ्रेंड्स भी चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली कोई भी अपडेट्स रहें वो सभी की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके और आप सभी को सारी जानकारियाँ मिल सके कि आप लोग के विश्वविद्यालय में क्या हो रही है और एग्ज़ाम कब होंगे, फॉर्म कब भराएंगे, रिजल्ट कब निकलेंगे, सारी जानकारी आप सभी को जाएगी हमारी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आप सभी को बताते हैं जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से अपडेट्स आई है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय की तरफ से यहाँ पे देखिए यूजी पीजी जो भी स्टूडेंट्स के लिए अपडेट्स आती है, सारी जानकारी मैं आप सभी को देती हूँ। यहाँ पे देखिए यूजी पीजी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपडेट्स आई है, हम पूरी अपडेट्स यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। दिनांक 25/9/2023 का ये अपडेट है, साइट पर इसे कल ही अपडेट किया गया है शाम को। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है सेवा में प्राचार्य प्राचार्य समृद्ध समस्त महाविद्यालय डॉक्टर राममोहन लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या विषय में दिया गया है NEP 2020 के अंतर्गत। देखिए बताया जा रहा है उपयुक्त में सूचित है कि NEP 2020 के अंतर्गत स्नातक स्तर पर BA BSc VCOM तथा प्रस्नातक स्तर पर MA MSc MCOM संचालित पाठ्यक्रमों की यूनिक ID रजिस्ट्रेशन की तिथि दिनांक 3/10/2023 तक ले तथा वेरिफिकेशन किए जाने की अंतिम तिथि 5/10/2023 तक निर्धारित की जाती है। तत्संबंधी महाविद्यालय से अपेक्षा की जाती है कि उपयुक्त निर्धारित तिथि की में यूनिक ID रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करे, अन्यथा की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप सभी को बताया जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे BA BSc VCOM MA MSc MCOM के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी के पाठ्यक्रमों को है जो कि यूनिक ID रजिस्ट्रेशन की तिथि है जो कि 3/10/2023 और वेरिफिकेशन की तिथि है जो कि 5/10/2023 तक ले निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे आप सभी को बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पे निर्धारित तिथि है वो उसी निर्धारित तिथि में है जो कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करा करके सुनिश्चित करना है। और इसी के संबंध में आप सभी के लिए अपडेट्स आई थी। यहाँ पर देखिए आप लोगों की यूनिक ID और रजिस्ट्रेशन के संबंध में ये अपडेट्स आई थी MA MSc MCOM BA BSc VCOM स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी अपडेट्स आए थे मैं आप सभी को अपडेट की हूँ। आगे जैसे ही आप लोगों की परीक्षाओं या रिजल्ट के संबंध में या कोई अन्य अपडेट्स आती है फॉर्म फिलअप को लेकर के, सारी अपडेट्स मैं आप सभी को अपडेट करते रहूँगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ अपडेट्स अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और जिन लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो अवश्य रूप से आप सभी कीजिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।